Hello everyone, welcome to Math by Rishi. We are starting with the new topic of probability in applied maths. So probability, you must be very sure that this is among the most important topics that you have in your syllabus. What is expected that you already know? It is expected that you know the basic definition of probability, that it is the ratio of number of favorable events upon total number of events. मैं पहले सिर्फ वो बातें बता रहा हूं जो तुमसे एक्सपेक्ट की जाती है कि तुम्हें आती है. ठीक है, एग्जाम्पल, सपोज यू रोल अ डाइस. ठीक है, यू रोल अ डाइस, तुमने एक पासा फेंका. सैंपल स्पेस वो होता है जिसमें सारे आउटकम्स होते हैं, दैट इज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. आपने एक अगर डाइस देखा है तो आपके पास 1 से लेके 6 तक सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. नाउ लेट्स से आपका एक इवेंट है वेयर दे से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट दैट द आउटकम इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं तुम्हारे पास? 2 फेवरेबल इवेंट्स हैं. टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 6. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट इज 1/3. ठीक है, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी अगर पीई होती है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, पीई के ऊपर डंडा, एंड वी कॉल इट पीई कॉम्प्लीमेंट. हाउ डू वी कॉल इट? पीई कॉम्प्लीमेंट, दैट इज हाउ वी कॉल इट, कॉम्प्लीमेंट. इन सम बुक्स यू विल आल्सो फाइंड इट एज पीई डैश, इस तरीके से भी लिखा जाता है, राइट? एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 1 - PE. यानी कि अगर मेरे पास 3 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 - 1/3 विच इज 2/3. सो दीज आर सम वेरी बेसिक थिंग्स यू आई मीन दैट इज एक्सपेक्टेड कि तुम्हें ये बातें आती हैं. ओके, नाउ इन क्लास 12th प्रोबेबिलिटी इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि तुम्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक्स आते हैं जो तुमने अगेन क्लास 11th में पढ़ रखा है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो तुम छोटे क्लास से भी पढ़ रहे हो, बट पीएनसी तुमने क्लास 11th में पढ़ा है. परमुटेशन जब कभी भी कोई भी केस आएगी, राइट, जहां पे अरेंजमेंट की बात होगी तो ध्यान रखना यू वुड बी यूजिंग परमुटेशन. व्हेन एवर दिल टॉक ऑफ अरेंजमेंट यू विल बी यूजिंग व्हाट? परमुटेशन. एंड व्हेन एवर दिल टॉक ऑफ सेलेक्शन यू विल बी थिंकिंग ऑफ कॉम्बिनेशन. बिकॉज अक्सर बच्चे इसी बात में कंफ्यूज होते हैं, सर कहाँ परमुटेशन लगाना है, कहाँ कॉम्बिनेशन लगाना है, राइट? दिस इज अ वेरी huge, I mean, kind of confusion among the mind of students that sir, kya PNC mein kab kaun si cheez apply karni hai. To dhyan rakhna, jahan bhi tumhe arrange karna hai wahan permutation lagaoge. Permute ka matlab hi hota hai arrange karna, aur combination ka matlab hota hai select karna. Ek simple example deta hu that will help you remember this. Indian team jab kabhi kisi tournament mein jati hai to ek squad mein kitne khiladi hote hain? How many players are there in a squad? Kitne hote hai bhai Abhimanyu? कितने होते हैं? आजकल 25 होते हैं, इनकी अपनी टीम चल रही है भाई, चेक करना, 15 या 16 होते हैं, शायद 16 होते हैं, हो सकता है होते होंगे. ठीक है, आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे तो एक टीम जब कोई टूर्नामेंट के लिए जाती है तो मेरे ख्याल से 16 होते हैं. फिलहाल आई एम फोकसिंग नॉट ऑन द जनरल नॉलेज, आई एम फोकसिंग ऑन पीएनसी. ओके, सो लर्न एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सो लेट्स से जब कोई टीम टूर्नामेंट के लिए गई तो इंडियन टीम में हमारे पास 16 प्लेयर्स हैं. ठीक है, एंड लेट्स से विराट कोहली इज द कैप्टन. ठीक है, बट खेलने के लिए तो हमेशा 11 ही प्लेयर होते हैं किसी भी मैच में, राइट? वी कॉल देम प्लेइंग 11, राइट? वी कॉल देम व्हाट? प्लेइंग 11. सो इन केस अगर विराट कोहली ये देखना चाहता है कि इस 16 में से कितने लोग, कौन कौन से लोग खेलेंगे, तो हाउ विल ही डू दैट? He'll be using combination because he'll be selecting 11 out of 16. That's a case of selection. तो यहाँ पे क्या लगा रहा है वो? Combination. 16 में से 11 उसे चाहिए. At the other end, वो ये decide कर रहा है कि batting order किसको देनी है, opening कौन करेगा, running पे कौन जाएगा, first down, second down, third down कौन जाएगा. So that is a kind of arrangement. तो वहां पे अब इन्हीं 16 में से देखना है कि भाई कितने लोग वहां पे arrange होंगे, किस order में. तो वहां पे वो क्या apply करेगा? 16P11. So I've tried and given you a very practical example, right? कि अगर किसी को टीम बनानी है, सेलेक्ट करनी है, तो वहां कॉम्बिनेशन यूज करेंगे. अरेंज करनी है, ऑर्डरिंग देनी है, तो वहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. ठीक है, इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि आपको बेसिक फॉर्मुलेस पता है,
NCR, the definition is the formula is n factorial upon r factorial n minus r factorial. If you don't know, please make a note of it. These are some very basic things from where you get questions. Okay. Now, when you look at NPR, what is NPR? This is factorial n over factorial n minus r. Okay. Over factorial n minus r. This is n minus r. Again, if you have any doubt, so fir aap puch sakte hain, right? Factorial ka matlab kya hota hai? Ye bata deta hu. Agar jaise kabhi aapke paas n factorial hai, to n factorial gives you the multiplication of natural numbers right from n till 1. Sare ke sare natural numbers ko agar aap multiply karke rakh doge na, to isi ko factorial kehte hain. For example, agar aapke paas 3 factorial hai, to isko kya bologe? 3 into 2 into 1, yani kitna? 6. Theek hai? आपके पास 5 फैक्टोरियल है, 1 into 2 into 3 into 4 into 5, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा. एक स्पेशल केस होता है, ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है? Do remember it, ठीक है? So I've just given you a quick review of permutation and combination, which certainly is required in dealing with probability, ठीक है? I'm not going into great detail about this. In case you are looking for more detail, I strongly recommend drop a message. I have a very good playlist of permutation and combination in case you want to do it till any extent. Mere paas PNC ki bahut badhiya videos ki series of videos hai. Theek hai? So just drop a WhatsApp message on this number 9319666162. Aap is pe ek message drop kar dijiyega. I'll share the detailed video on PNC. Fine? All right. Let's proceed. So now, इन क्लास 12th आपके पास जो सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है प्रोबेबिलिटी में, राइट? क्योंकि आप अप्लाइड मैथ्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, ठीक है? पीसीएम में कुछ चीजें डिफरेंट हैं और अप्लाइड मैथ्स में चीजें डिफरेंट हैं, ठीक है? टॉपिक बेशक वही है, लेकिन टॉपिक्स की प्रायोरिटी और वेटेज डिफरेंट है, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी में जो सबसे पहली चीज तुम्हें पढ़नी है, दैट इज रैंडम वेरिएबल. व्हाट इज दैट? दैट इज रैंडम वेरिएबल. Okay. And the second thing that we are going to study is probability distribution table. Aaj ki class mein hamara sara focus in do concept pe hoga, jisse piche exams mein jo PCM ke exams hue hain, kaafi questions is pe aa chuke hain. To bade fair chances bante hain ki iske questions aapke exam mein bhi aaye. MCQ questions bhi is pe bante hain, and let us discuss that. Okay. First thing is, what is random variable? जैसे कि आपने एक coin toss किया, तो random variable का मतलब होता है जो भी जितनी भी possibilities possible है ना, उसी को हम लोग random variable बोलते हैं. यानी अगर मैंने एक coin toss किया, तो मेरे random variable क्या है? Either head or tail. बात समझ रहे हो? Either head or tail. और थोड़ा better example, let's say हमने कोई दो coin toss किए, हमने दो coin toss किए, तो क्या-क्या possibility है? या तो दोनों के दोनों head है, या फिर पहले वाले पे हेड है दूसरे पे टेल है, या फिर पहले पे टेल है दूसरे पे हेड है, और एक लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दोनों पे टेल. कैन यू थिंक ऑफ एनी फिफ्थ पॉसिबिलिटी? नो. ठीक है, ऐसे भी ध्यान रखना कि अगर किसी इवेंट में, जैसे मैं अगर एक कॉइन टॉस करता हूं, तो मेरे पास सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स हैं? मेरे पास सिर्फ दो इवेंट्स हैं, राइट? टेल एंड हेड. I want to say that the number of elements in the sample space is 2. So when you repeat this event n times, right, then the number of elements in the sample space would be 2 raised to the power n. Remember it, it's very important. मैंने एक बार ही coin toss किया, दो बार दो event थे, दो sample space में, दो बार ही किया, 2 का square 4 है, तीन बार करूंगा कहां लिखता रहूंगा यार, 2 की power 3, 8 हो जाएंगे. 10 बार करूंगा कितने मेरे पास इवेंट होंगे? 2 की पावर 10. सो यू शुड रिमेंबर दीस बेसिक थिंग्स. सिमिलरली एक और जो जनरल स्टैंडर्ड केसेस, मैं सिर्फ वो डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? देन स्ट्रेट अवे आई विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. सिमिलरली यू शुड आल्सो नो दिस इज वन डिस्कशन ऑन कॉइन. द सेकंड दैट मस्ट बी इंक्लूडेड एट दिस पॉइंट, दैट वुड बी अबाउट अर्न्स और बॉल्स, राइट? जो रैंडमली क्वेश्चन तुम्हें जरूर से दिखते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा, ठीक है? अर्न्स एंड बॉल्स, सेकंड पॉइंट वेयर आई विल बी पुटिंग स्ट्रेस.
देन यू शुड हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट प्लेइंग कार्ड्स राइट एंड डाइस राइट। मेजरली आप देखेंगे कि इन चार चीजों से आपके पास क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते रहे हैं एग्जाम में, बोर्ड में। अप्लाइड मैथ्स का तो बोर्ड पहली बार होगा, बट इससे पहले और मैथ्स हुआ है ना, और वहां पे ये सिलेबस में रहा है, ठीक है। तो वी शुड टेक आइडिया कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अर्न्स अगर आप बात करें, अर्न्स मतलब कि किसी यू नो बैग में कुछ अर्न्स हैं, है ना, या कुछ बॉल्स हैं अलग अलग कलर्स के, उस पर क्वेश्चन होते हैं। इसमें कुछ खास हम क्वेश्चन के फॉर्म में इसको स्टडी करेंगे, बट हाँ कार्ड्स में तुम्हें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। कुछ लोग होंगे जो काफी एक्सपर्ट प्लेयर्स होंगे, बट जो थोड़े से मेरी तरह नौसिखिए हैं वो यहाँ पे सीख सकते हैं। मैं सिर्फ उतना ही सिखाऊंगा जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कार्ड्स तुम्हारे पास दो कलर के होते हैं, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। इसमें रेड में आपके पास दो सूट ऑफ कार्ड्स होते हैं, वी कॉल इट व्हाट, वी कॉल इट सूट ऑफ कार्ड्स, राइट। द स्पेलिंग इज SUIT, सूट ऑफ कार्ड्स। देयर आर फोर सूट ऑफ कार्ड्स। रेड में आपके पास एक होता है डायमंड एंड द अदर इज हार्ट। डोंट कॉल इट हर्ट, ओके, इट हर्ट्स व्हेन माय स्टूडेंट कॉल यू नो हर्ट, सो इट्स हार्ट, ओके, इट्स हार्ट, HEART, डोंट हर्ट मी बाय कॉलिंग इट हर्ट, ओके। ब्लैक में आपके पास स्पेड एंड क्लब, फाइन, इट्स स्पेड एंड क्लब। मैं तुम्हें ये सब चीजें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज तुम्हें एज इट इज टर्मिनोलॉजीज क्वेश्चन पेपर में यूज होते हुए दिखेंगे एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दिस, ओके। तो ध्यान रखना, डायमंड और हार्ट आपके पास रेड कलर के होते हैं, क्लब और स्पेड आपके पास ब्लैक कलर के होते हैं, ओके। आपके पास हर सूट में बच्चों 13 कार्ड्स होते हैं, यू हैव 13 कार्ड्स। तो क्वाइट ऑब्वियस, चार सूट हैं तो 13 × 4 = 52 कार्ड्स होते हैं। अक्सर एक वर्ड यूज होता है, वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, राइट, दे यूज द वर्ड पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। तो पैक ऑफ कार्ड्स कभी भी अगर वर्ड यूज करते हैं तो समझ जाना इन्हीं 52 कार्ड्स की बात कर रहे हैं, जोकर इज नॉट इंक्लूडेड, रिमेंबर दैट, ओके। देन आपके पास हर सूट में बच्चों चार कुछ ऐसे कार्ड होते हैं जिनकी औकात ज्यादा होती है, एस, किंग, क्वीन एंड जैक, इनकी ना औकात ज्यादा होती है और इसी वजह से टेक्निकली इनको ऑनर कार्ड्स कहा गया है। ये सारे वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ लिख लेना प्रॉपरली, एज इट इज एग्जाम में मिलते हैं मेरे बच्चों। क्या बोलते हैं इन चारों को? ऑनर कार्ड्स, ठीक है। और अगर तुमने कभी कार्ड के पत्तों, मतलब कार्ड्स को देखा है, कार्ड के पत्ते क्या होते हैं यार, आई मीन प्लेइंग कार्ड्स तुमने अगर देखा है, तो ये जो तीन कार्ड मैंने अभी इसको अंदर बनाया, किंग, क्वीन एंड जैक, इस पे ना फेस बना होता है, तो दे आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। रिमेंबर दीज वर्ड्स, रेड कार्ड, टोटल इन ऑल यू हैव 26, रिमेंबर द जार्गन्स, द टर्मिनोलॉजीज एंड द नंबर्स, दैट इज व्हाट विल टेक यू थ्रू दिस ऑल दिस, ठीक है। 26 ब्लैक कार्ड्स, डायमंड, हार्ट, एवरीथिंग, यू हैव 13, राइट, एस, किंग, क्वीन एंड जैक हर सूट में होते हैं, चार हैं, तो टोटल एस, टोटल ऑनर कार्ड कितने हो जाएंगे, 4 × 4 = 16, ऑनर कार्ड कितने होंगे हमारे पास, 16, ठीक है। फेस कार्ड कितने होंगे, 3 × 4 = 12, वी हैव 12 फेस कार्ड्स, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी, ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है, एज इट इज वर्ड्स आपको मैं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखाऊंगा, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट, ओके। तो कार्ड्स के बारे में इतनी बेसिक बातें हैं और इसके डिटेल अभी क्वेश्चंस में देखेंगे। डाइस में आपको कुछ खास मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है कि इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स फंडामेंटल सैंपल्स में कितने होते हैं, 6, यानी अगर मैं दो बार डाइस रोल करूंगा तो मेरे पास कितने इवेंट्स आ जाएंगे, 6 square, ये बात हमने अभी भी सीखी है, यानी कि 36 हो जाएंगे। अगर मैं तीन बार डाइस रोल करूंगा तो 666, विच इज 216, है ना, 216। तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। I hope it is clear till this point. Okay, moving ahead. Now coming to the more relevant thing for class 12 applied maths. I'll talk of random variable. I'll talk of random variable. Okay. And I'll also introduce the topic of probability distribution table. Okay. Let me give you an example so that you get a very fair idea about all this. Okay. तो रैंडम वेरिएबल को जनरली हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं और इसकी वो सारी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं जो कि हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट टॉसिंग टू कॉइंस, साइमल्टेनियसली, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट टॉसिंग टू कॉइंस साइमल्टेनियसली, गिव मी अ मोमेंट, इट्स अर्जेंट।
So we were discussing the concept of random variable with the help of an example. We have considered two coins being tossed simultaneously, and in the question it will be given to you the random variable kya hai. Jaise yahan pe bolenge the random variable is number of heads. Kya bolenge? Number of heads is the random variable. तो सबसे पहली चीज आपको ये आइडेंटिफाई करनी है कि x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है. अगर आप दो कॉइन टॉस कर रहे हो ना, इनिशियली टू स्टार्ट विथ तुम्हें सैंपल स्पेस लिख दो, है ना. अगर आप दो बारी सेम दो कॉइन्स को टॉस करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हमने देखा भी था. इट वॉज हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल एंड टेल टेल, राइट. देयर आर फोर पॉसिबिलिटी. दे हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट? दे हैव टॉक्ड अबाउट नंबर ऑफ हेड्स, दैट इज द रैंडम वेरिएबल. तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं? जीरो हो सकते हैं, वन हो सकता है और टू हो सकता है. आया ना? हाँ, ठीक है. हमारे पास x की तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं. तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है ये तुम्हें यहां से एक आइडिया लगा. रैंडम वेरिएबल क्या है कि जो भी इवेंट है उसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज है उसी को हम लोग रैंडम वेरिएबल कहते हैं. क्लियर है? नाउ द सेकेंड एस्पेक्ट दैट वी आर लर्निंग थ्रू दिस एग्जाम्पल इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. बहुत प्यार से समझना, बड़े आराम से समझना. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ये आवाज आ रही है ना सबको? आई थिंक यस. ओके, गुड. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है? उसमें एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक्स की वैल्यू जब वन है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यही सारी बातें होती हैं. तो देखो, जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो हमारे पास फेवरेबल इवेंट कितने हैं? आई हैव जस्ट वन फेवरेबल इवेंट, राइट. और टोटल इवेंट्स कितने हैं? 1/4, राइट. सो व्हेन एक्स इज जीरो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट इज 1/4. आई होप यू गेट इट. ठीक है. सिमिलरली जब एक्स की वैल्यू वन है दैट मीन्स द नंबर ऑफ हेड इज वन. ऐसे कितने इवेंट्स हैं? दो इवेंट्स हैं. यानी कि फेवरेबल इवेंट्स इज टू डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. कैन आई से इट इज 1/2? यस. नाउ द थर्ड केस, व्हेन एक्स इज टू, यानी कि जब हमारे पास दो हेड्स हैं तो एक ही केस है और टोटल इवेंट कितना है? 4. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसी होती है? ऐसी होती है, राइट. द फर्स्ट रो, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स. ठीक है. सो द फर्स्ट रो कंप्राइजेस ऑफ एक्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स 0, 1, 2. इस केस में सिर्फ तीन वैल्यूज हैं और डिफरेंट केसेस में इससे ज्यादा भी हो सकती है. And the second case from, I mean the second row comprises of px. जब p zero है तो probability कितनी है? 1/4. जब p मेरे पास 1 है तो probability कितनी है? 1/2. और जब p मेरे पास 2 है उस समय मेरी probability कितनी है? 1/4. तो ये तुमने ये जो create किया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? Probability distribution table. ठीक है. सबसे पहले हमने समझा रैंडम वेरिएबल क्या है और फिर हमने समझा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है. अब जो बातें बता रहा हूं अगले एक मिनट में, ये अभी जो तुमने सीखी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहली बात, कभी भी पीएक्स की वैल्यू, बेसिक बात है लेकिन कई बच्चे मिस कर देते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है. कभी भी पीएक्स की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी. अग्री? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगी. इट कैन नॉट एक्सीड 1, इट कैन नॉट बी नेगेटिव. इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1. द वर्स्ट केस इज 0 व्हेन वी से इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज 0 वी से द इवेंट इज इम्पॉसिबल. व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 1 वी कॉल इट अ सर्टेन इवेंट. ठीक है. 0 के लिए क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं. ये इवेंट पॉसिबल ही नहीं है. हाउ दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट दैट वन ऑफ यू गेट्स 80 out of 80, राइट. Or I better say that this is a certain event that at least one of you is going to get it out of 80. That sounds better, right? So impossible event वो होता है कि भाई ये तो possible ही नहीं है, कर ही नहीं सकता, उस बंदे की बस की बात नहीं है. ठीक है. और certain event नहीं भाई, बड़ा caliber है, करके दिखाएगा. ठीक है. तो certain event जब probability 1 होती है तभी certain होता है. ठीक है. जब probability 0 होती है तभी impossible event होता है. All right. तो impossible और certain event के बीच में ही कोई सी भी probability lie करती है. Negative में कभी कोई probability नहीं होती है. पहली बात. दूसरी बात, कभी भी जब आप सारे के सारे px को ऐड करोगे, राइट, px = 1, px = 2, जितने भी हैं, राइट, px = 0 भी था यहां पे तो, है ना, तो इसका सम हमेशा 1 होगा.
सम वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू वन, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल पी एक्स आईज विल बी इक्वल टू वन, चेक करके देखो, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इज व्हाट, इट इज वन अगेन, ठीक है। तो ये दो बेसिक बातें अगर आपको आती हैं तो अब आप क्वेश्चन के लिए तैयार हो। आओ पहला क्वेश्चन लेते हैं तुम्हारी बुक से, एक्सरसाइज 9.1, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस लुक इनटू दिस। रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वंडरफुल, वी अंडरस्टैंड, यानी कि यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज हैं, 0 से लेके 7 तक कुछ भी पॉसिबल है, हमें पता है, चाहे इवेंट कुछ भी हो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, ओके। पी एक्स इन्होंने क्या बोला, जब 0 है तो प्रोबेबिलिटी a है, जब 1 है तो 4a है, जब इतना 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 ये है, कोई टेंशन ही नहीं है, अपने को तो पता है इन सबको ऐड करके 1 आएगा, तो ये निकाल लेंगे। आओ जरा ऐड करें, 5a, 8a, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 8 इज 23, 23 प्लस 10 इज 33, 33 plus 6 is 39, 39 plus is 48. Kritika is the fastest. 48A is equal to 1. So I can say A is what? 1/48. Kya isme jo second rule tumne seekha wahi use ho raha hai kya? Certainly yes. Aap dhyan rakhenge is baat ko. Dusra sawal bahut badhiya hai. Aur aise questions zarur se aate hain. Zarur se aate hain. Applied maths mein meri reading ye kehti hai aise questions aane ke chances bahut fair hai. Theek hai? Kya bol rahe hain? Find px when x is less than 3. जिन लोगों ने क्लास 11th में permutation combination अच्छे से की है, उनको ये वाले questions बड़े आसान लगेंगे। वहाँ पे मैंने दो concept बताए थे, and और के। And का मतलब होता है compulsory event, जिसमें हम लोग multiply करते हैं। और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, उसमें हम लोग add करते हैं। They are saying x is less than 3. That means they are talking about 0, 1, 2. That's all. 3 is not there. लेस देन इक्वल टू थ्री नहीं बोला, यानी यहाँ पे जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी बताओ, 7 और 8, इट इज 8a, और a की वैल्यू तुम्हें 1/48 मालूम है, सो इट इज व्हाट, 1/6। कृतिका बड़े फॉर्म में चल रही है बेटा, समझ रहे हो ना। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अभी वीडियो ऑफ हो जाए तो परेशान मत होना, दोबारा से लॉग इन कर लेना, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की बात करता हूँ तो अब 4 से आगे, तो 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 17 है, 18 प्लस 17 35 होना चाहिए ना यार, 35 है, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी,